हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इनर प्रोडक्ट क्या होता है, इनर प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंट डेफिनेशन एंड कुछ सॉल्व प्रॉब्लम पढ़ी थी। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑर्थोगोनलिटी क्या होता है। बेसिकली सपोज कि हमारे पास टू वैक्टर्स हैं, यू एंड वी, और अगर उनका यू डॉट उनका इनर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये दोनों जो वेक्टर थे वो ऑर्थोगोनल थे। टू वेक्टर्स यू एंड वी इन आर एन इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ इनर प्रोडक्ट उनका जीरो हो तो। इन आर स्क्वायर एंड आर क्यू द नोटेशन ऑफ द ऑर्थोगोनलिटी शुड बी फैमिलियर टू यू। अगर आर क्यू में देखे, आर स्क्वायर में देखे, तो यू डॉट वी बराबर बेसिकली दो वेक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, नॉर्म ऑफ मोड यू नॉर्म ऑफ मोड वी कॉस थीटा। ऑर्थोगोनलिटी यानी कि कॉस 90 डिग्री जो होता है वो जीरो होता है जीरो होता है। तो यहाँ से हमारे पास यानी कि ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब थीटा जो होगा 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल यहाँ पे हो गया हमारे पास। और अगर थीटा अगर कैलकुलेट करना हो, थीटा कैलकुलेट करना होगा तो ये होता है हमारे पास थीटा बराबर बेसिकली ये कॉस इनवर्स को आर कॉस इनवर्स भी लिखते हैं, यू डॉट वी डिवाइडेड बाई मोड ऑफ यू डॉट मोड ऑफ नॉर्म ऑफ वी। तो अगर कई बार हमें थीटा अगर निकालना हो तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम थीटा भी निकाल सकते हैं कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में। अब आता है हमारे पास पाइथागोरियन थ्योरम क्या होती है। टू वेक्टर्स यू एंड वी आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ यू प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर। तो इसको यहाँ से भी हम देख सकते हैं बेसिकली नॉर्म ऑफ यू वी क्या होगा, मोड ऑफ यू डॉट यू प्लस वी सॉरी नॉर्म ऑफ यू प्लस वी यानी कि यू प्लस वी डॉट यू प्लस वी। अब यू प्लस वी का अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये तो यहाँ ऊपर करके कर लिया हमने, ऊपर स्क्वायर कर दिया और मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया यू प्लस वी डॉट यू प्लस वी, क्योंकि इधर से इस रूट हट गया तो यहाँ से हो गया यू डॉट यू डॉट वी वी डॉट यू वी डॉट वी। अब ये हमारे पास क्या दिया, यू और वी ऑर्थोगोनल है, तो उस कंडीशन में यू डॉट वी बराबर जीरो होगा, वी डॉट यू बराबर जीरो होगा। तो ये जीरो हो गए तो हमारे पास बचा क्या, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बेसिकली यू डॉट बी जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, ये नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया नॉर्म ऑफ, ये जो थ्योरम थी वो हमारे पास प्रूफ हो गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है, हमारे पास अ सेट ऑफ वेक्टर्स u1 u2 डॉट डॉट up इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल सेट्स इफ एनी पेयर ऑफ द डिस्टिंक्ट uj आर ऑर्थोगोनल दैट इज ui डॉट uj इक्वल टू 0 वेयर i नॉट इक्वल टू j। यानी कोई भी हमारे पास अगर दो हम रैंडमली यू एंड यू आई एंड यू जे उठा लें और दोनों का जो मल्टी इनर प्रोडक्ट है वो जीरो आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो सारे ये सेट जो है वो ऑर्थोगोनल्स का सेट है। और इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, लेट u1 u2 डॉट डॉट up बी एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर इन आर एन। ये ऑर्थोगोनल सेट है नॉन जीरो वेक्टर इन आर एन का। देन द सेट u1 u2 डॉट डॉट up इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इन पर्टिकुलर इफ p इक्वल टू एन, देन द सेट u1 u2 डॉट डॉट un इज द बेसिस ऑफ Rn। तो पहले तो हमें चेक करना है कि अगर ये हमारे पास u1 डॉट u2 डॉट डॉट up जो है ऑर्थोगोनल सेट है तो उस कंडीशन में ये जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, c1 u1 प्लस c2 u2 डॉट डॉट cp up इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ ऑल ci इक्वल टू 0। तो इसके लिए टेक द इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वन, का इनर प्रोडक्ट कर दिया तो हमारे पास ये क्या आ गया, c1 u1 डॉट u1 प्लस c2 u2 डॉट v u1, इस तरह से up डॉट u1। अब चूंकि ये हमारे पास सेट ऑफ ऑर्थोगोनल सेट है तो यहाँ पे से u1 डॉट u i फोर i नॉट इक्वल टू वन के लिए सारी टर्म जो है वो जीरो होंगी। तो यहाँ से ये टर्म जीरो होगी, ये टर्म जीरो होगी, तो यहाँ से आ गया हमारे पास, इसको फिर कट करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास c1 डॉट नॉर्म ऑफ u1।
अब नॉर्म ऑफ u1 बेसिकली अगर ये हमारे पास दिया हुआ है कि ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो नॉर्म ऑफ u1 भी नॉन जीरो होगी, तो यहाँ से इम्प्लाई होगा कि c1 इक्वल टू जीरो। सिमिलरली जब हम u2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो c2 इक्वल टू जीरो, एंड c3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी u3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो c3 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास होगा कि c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू c3, सारे जो है वो जीरो होंगे। Therefore, तो यहाँ से कहते हैं लीनियरली एफ पी बराबर एन, अगर पी बराबर एन है तो उस कंडीशन में यू वन डॉट डॉट यू पी इज ऑटोमेटिकली आप बेसिस ऑफ आर एन। अगर ये वो हमारे पास पी बराबर एन है तो हमने पढ़ा था कि एन इस कंडीशन एन एन सेट ऑफ वेक्टर है और ये कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये उस कंडीशन में वो ऑटोमेटिकली ही हमारे पास बेसिस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। इज द सेट u1 u2 u3 आज ऑर्थोगोनल सेट, तो ऑर्थोगोनल सेट करने के लिए हमें u1 डॉट u2 चेक करना होगा, तो u1 डॉट u2 चेक करते हैं। 1.0 बराबर 0, ये आ गया। -2.1, तो -2.1 एंड 1.2, तो ये 0, ये भी 0, इसी तरह से ये भी 0। तो ये जो ऑल कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे वो सभी 0 आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में कहेंगे ऑर्थोगोनल सेट्स हैं। द सेट u1 u2 u3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट का चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली 1 -2 1 0 1 2, -5 -2 1, ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की या तो हम रैंक देख लें, रैंक अगर 3 आ जाए तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और या फिर अगर रैंक नहीं देखे तो इसका डिटर्मिनेंट देख लें, मोड ऑफ अगर ये है तो इसका डिटरमिनेंट देखो, डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, नॉट इक्वल टू जीरो बेसिकली 30 आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो ही आएगा, तो यहाँ से हम कह देंगे कि ये जो है u1 u2 u3 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है, अ सेट ऑफ वेक्टर्स u1 u2 डॉट डॉट un इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल ऑर्थो नॉर्मल सेट्स इफ इट इज ऑर्थोगोनल सेट एंड इफ ईच वेक्टर यू आई इज द सेट ऑफ यूनिट वेक्टर, यानी आ सेट ऑफ वेक्टर u1 u2 डॉट डॉट up इज सेट टू ऑर्थो नॉर्मल सेट इफ इट इज ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल यू आई डॉट यूजे जो है वो जीरो होना चाहिए, और ईच यू आई जो है वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तो इस कंडीशन में ये वेक्टर जो है ऑर्थो नॉर्मल सेट्स कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है u1 u2 u3, ये हमारे पास है, तो इसको ये बे वेक्टर्स थे सिंपली, तो इसको हम पहले ये भी चेक कर सकते हैं ये ऑर्थोगोनल है या नहीं, सिंपली u1 डॉट u2 देखेंगे ये 0 आ रहा नहीं आ रहा, अब ये आ जाएगा। उसके बाद हमें अगर इसको हमें ऑर्थो नॉर्मल सेट निकालना है तो ऑर्थो नॉर्मल सेट निकालने के लिए हर वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर निकालना होगा, यानी जैसे मैं इसके लिए बता देता हूँ, फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो फर्स्ट क्या निकालेंगे हम, पहले मोड लेंगे इसका, तो मोड ऑफ ये आ जाएगा, तो सॉरी नॉर्म ऑफ u1, अगर इसको हम u1 दे रहे हैं नॉर्म ऑफ u1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा और रूट, तो ये आ जाएगा √6, तो ये हमारे पास √6 से डिवाइड, हर टर्म √6 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया, ये यूनिट वेक्टर आ गया, ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब अगर हम चेक भी करें तो b1.b2 = b0 आएगा, b2.b3 = 0 आएगा, और ये हमारे पास यूनिट वेक्टर भी है, तो ये हमारे पास सेट जो है वो ऑर्थो नॉर्मल सेट्स हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑर्थोगोनल बेसिस। थैंक यू फ्रेंड्स।